नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉर्डर न्यूज टीवी और आज हमारे साथ हैं जाने माने पत्रकार राजीव रंजन। आज हम कई मुद्दों पर इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे इनका राय। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, राजीव जी सबसे स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और सभी तमाम आपके बॉर्डर न्यूज देखने वाले दर्शकों का भी तहे दिल से नमस्कार है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, क्योंकि हमने पिछला एक एपिसोड चलाया था लोकसभा को लेकर, संसदीय जो क्षेत्र है जिसमें हम लोगों ने पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र का चर्चा किया था। जी। तो इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे पूर्वी चंपारण के शिवहर का चर्चा होना चाहिए। शिवहर का चर्चा बहुत अच्छी चीज है। शिवहर का चर्चा करेंगे, लेकिन शिवहर के चर्चा से पहले अभी चर्चा होना चाहिए, ज्यादा अविश्वास लगा हुआ है, ढेर सारा अविश्वास लगा हुआ है प्रखंड प्रमुख सबके ऊपर। हाँ, चलिए चर्चा होना चाहिए। शिवहर लोकसभा क्षेत्र मुद्दा है, लेकिन उससे ज्यादा तत्काल अभी चूंकि 2-3 दिन के अंदर में इसका ये होने वाला इसी सप्ताह में, बिल्कुल तो लोग बिल्कुल काफी बेसब्री से इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। इसमें ये भी आया है कि कई लोगों को लेकर नेपाल में जो है कई टीम प्रमुख की टीम नेपाल में गई है, कई कलकत्ता गई है, कई गोवा गया है, पूरे जिले के अलग अलग प्रखंड से ये खबर आ रही है और लगातार हम लोग खबर व्हाट्सएप ग्रुप के सोशल मीडिया पर हम लिख रहे हैं, दे रहे हैं, लोग भी डाल रहे हैं, जो भी रिपोर्ट आ रहा है हम लोग के पास उपलब्ध हो रहा है वो बता रहे हैं। अच्छा, चलिए सबसे पहली बात, अविश्वास प्रस्ताव तो लग गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। ऐसा भी चर्चा आ रहा है कि हो सकता है फिर जो पहले थे वो रहे या नया प्रमुख देखने को मिले लोगों को। क्या मतलब आपको क्या लग रहा है देखिए सबसे पहले तो हम जो चर्चा कर रहे हैं अभी ढाका प्रखंड की चर्चा कर रहे हैं। अभी सबसे ज्यादा अपने आसपास के जो क्षेत्र है ये घोड़ासर के आसपास के क्षेत्र में ढाका सबसे ज्यादा अभी उसमें क्या बोलते हैं उबाल आया हुआ है। पूर्वी चंपारण में मैं देख रहा हूँ कि इसको लेकर के पूरा जो है नहीं, सब जगह से चल रहा है, आपको रामगढ़वा में चल रहा है, हर सीधी में चल रहा है, सब टीम अलग अलग गई है, लेकिन ढाका में जो जानते हैं ढाका में जो है ना ये लड़ाई दो प्रमुख के बीच की नहीं है, ये दो विधायक के बीच की है। ऐसा अगर कहा जाए तो दो पार्टियों के बीच की, दो पार्टी के बीच की है। बिल्कुल बिल्कुल, दो पार्टी, ये भाजपा और राजद की लड़ाई हो गई है। दो विधानसभा प्रतिनिधित्व करने वाले, विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले एक वर्तमान में है और एक पूर्व में रहे, मतलब उनके बीच की ये लड़ाई। अगर यूं कहे तो ये प्रमुख के कुर्सी की नहीं बल्कि विधानसभा स्तरीय जो दो नेता हैं उनके बीच की लड़ाई हो गई है, उनके बीच की लड़ाई है। अच्छा, अब और जो अभी प्रमुख बनते हैं ना वो डमी होते हैं ढाका में, आप इस बात को समझिए, जो भी प्रमुख होते हैं वो डमी होते हैं। विधायक जी मतलब जिसको बना दिए, अभी वर्तमान विधायक है उनका कैंडिडेट है वो जिसको बना दिए वो प्रमुख हो गया, जो पूर्व विधायक है उनका कैंडिडेट है वो जिसको चुन दिए वो कैंडिडेट है, वो वही लड़ाई करते हैं। तो ये लड़ाई यहाँ तक नहीं सब, इसलिए ये ज्यादा गंभीर लड़ाई हो गई है कि ये दो विधायकों के बीच की लड़ाई है, पूर्व और वर्तमान विधायकों के बीच की लड़ाई है। मतलब सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो प्रमुख की लड़ाई नहीं होकर के विधायकों की लड़ाई हो गई है। काफी मजबूती से इस पर चर्चा करेंगे, जो ढाका के प्रमुख की लड़ाई है काफी मजबूती के साथ जो पूर्व विधायक है उन्होंने अविश्वास लगवाया था समितियों के द्वारा, 11 समितियों के द्वारा उन्होंने लगवाया था और एकदम वो जश्न में थे और हमारे जो सूत्र है वो एकदम आश्वस्त थे कि प्रमुख अब की बार मेरे गुट से आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन उनका जो सोच भी था ये भी था कि प्रमुख अब चेंज हो गया, लेकिन हमारा जो विश्वसनीय सूत्र हमारा बताया कि उन्होंने अपने टीम के साथ कलकत्ता के विभिन्न जगहों के होटल में शिफ्ट किए हुए हैं, कहीं से पोखरा की भी जो है तस्वीरें आ रही है, नेपाल की बात, ये दूसरे गुट, ये आपके वर्तमान विधायक के गुट, नेपाल, ये वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक के गुट कलकत्ता में शिफ्ट हुए थे, ये मतलब पक्की खबर है एकदम, जानिए कि आपको इसका हम ये देंगे एविडेंस भी देंगे। क्यों हमारे सूत्र पर लोग विश्वास करते हैं, इसका हम एविडेंस देंगे और जीता जागता प्रमाण देंगे।
तो ये लड़ाई तो गंभीर हो गई थी, लेकिन इस बात को अब की बार आप मानिए कि पवन जायसवाल फिर से किंग मेकर बनकर उभरे हैं। क्या बात है, क्या बात है। वो एक किंग मेकर पहले से भी थे, ये इसका जीता जागता नमूना मोतिहारी मेयर के चुनाव में लोगों ने देखा था, जब उन्होंने भाजपा के सांसद को पटकनी दी थी वहां पे, वहां जो मेयर के चुनाव में प्रकाश अस्थाना लड़े हुए थे, जो भाजपा के जिला अध्यक्ष भी थे अभी और है भी, वो प्रकाश अस्थाना नहीं लड़ रहे थे, राधामोहन सिंह लड़ रहे थे, और राधामोहन सिंह को जो चुनाव वापस करना था किंग मेकर बन के जो पवन जायसवाल जी जो किए थे, तो लड़ाई देखिए कहाँ से कहाँ घूमती है। फैसल रहमान जी जाकर के वहां से वहां मदद किए थे, किनको, राधामोहन सिंह को। अच्छा, मदद किए थे उस लड़ाई में, भाजपा को सपोर्ट किए थे राजद के उम्मीदवार होकर के भाजपा में। ये लड़ाई उससे भी पहले से पनपी है, जो आपको पता है, जिला के लोगों को पता है कि जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव था, और उसमें फैसल रहमान का बजाय पोस्टर भी लगा था, भीष्म पितामह राधामोहन सिंह, जो राधामोहन सिंह वो के कार्यकर्ता बोल रहे थे कि ये कर दिए हम लोग, बदल दिए हैं भाजपा। आपके जो विधायक हैं अभी, पवन जायसवाल जी के बारे में कुछ बोला भी था, और पवन जायसवाल जी ने उस समय भी बड़ी जोर से बोला था कि हम जायसवाल बिरादरी से, जो जितना चुमावन करता है हम लोग वैसे लोग हैं, जो जितना चुमावन करता है उसमें हम लोग लगा कर करते हैं, ये हमारा काम है, और उन्होंने किया भी। राधा मोहन सिंह का जो कद है वो काफी गिरा, अब उसके बाद पता ही है काफी गिरा, उस पर हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम लोग चर्चा दूसरे चीज पे कर रहे थे। तो लेकिन फिर से एक बार वो किंग मेकर बनकर उभरे, मतलब यह स्पष्ट आपने कर दिया कि जो अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया हो गया, मतलब पवन पवन जायसवाल जी का गुट विजयी हो रहा है, अभी जो प्रमुख है आप हमसे लिखित ले लीजिए, वो चेंज होने नहीं जा रहा है। अच्छा। और टेक्निकल रूप से वो हो भी गया, खत्म भी हो गया, टेक्निकल भी हम चर्चा बताएंगे आपको, टेक्निकल रूप से वो खत्म हो गया। पवन जायसवाल जी का जो कैंडिडेट है अभी किरण देवी जो वर्तमान प्रमुख है, वो प्रमुख रह गई, ये टेक्निकल रूप से खत्म हो गया, खत्म, अविश्वास नहीं लग सकता है, इसका भी ये है साक्ष्य है कि अविश्वास लग नहीं सकता। अच्छा, इतना दावे के साथ आप कैसे कर सकते हैं? प्रमाण लीजिए, हमसे प्रमाण मांगिए, हम दे रहे हैं। सबसे पहले इस घटनाक्रम पे थोड़ा सा जिक्र, दर्शकों को भी इंटरेस्टिंग लगता है हम लोग का बातचीत सुनने में, तो दर्शकों को भी बता दे कि ये घटनाक्रम हुआ, पूर्व विधायक जी जो है समिति को तैयार किए, और 11 समितियों का दल यहाँ से कलकत्ता ये हुआ, रवाना हुआ, विभिन्न होटल में एकदम शान मौज, जो जानते ही है कि उस दौरान जो क्या बोलते हैं जो राजभोग जो होता है वो राजभोग चल रहा था वहाँ पे। अब वर्तमान विधायक जी को ये खटक गई, लोग उनके किंग मेकर पर भी सवाल उठाने लगे कि भाई आपके तो इसमें सेंध लगाना शुरू कर दिया है लोग। उन्होंने भी फिर पसा फेंका फेंका उसमें तोड़ा, वहां से एक समिति और एक चीज पासा में भी पासा नहीं थी, पासा ही था। और उन्होंने फिर से साबित किया कि किंग मेकर है। कैसे साबित किया? वहां एक समिति, कलकत्ता में एक समिति, वहां के पुलिस को फोन किया कि हमको कैद करके रखा गया है। अच्छा। बजाबते कचड़ा पड़ा शायद थाना का नाम है, वहां फोन किया वो, और पुलिस उसको मुक्त कराई, और वो उस गुट से आके इस गुट में शामिल। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ये एकदम थाना में भी रिकॉर्ड है। अच्छा, थाना अच्छा, गई थी अच्छा। ये करने तो पहले से 8 जनवरी को फिक्स था कि ये अविश्वास लगना है प्रमुख के ऊपर, और एक और टूटा, दो टूट गया उधर से, मतलब 11 था वो संख्या 9 हो गया उधर, जब 9 हो गया इधर संख्या बढ़ गया, दो उधर से टूट के जब इधर से आ गया, मतलब इसको जबरन तोड़ा गया था, जब मैंने अगर ऐसा जैसे बताया कि फोन जबरन लेके गया, वही जबरन, वही बात हुआ, जबरन लेकर गया, जबरन तोड़ा गया, इस प्रमुख के गुट से जबरन तोड़ के, जबरन तोड़ करके लेके गया था। और वहाँ होटल में जाने के बाद क्या हुआ, और वर्तमान विधायक जी ने क्या खेल किए, कैसे खेल किए, ये इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर बताएंगे कि वर्तमान विधायक जी फिर से किंग मेकर साबित हो गए हैं, और टेक्निकल रूप से बता रहे हैं कैसे। 8 तारीख को शायद ये लोग नियम में भी चूक गए, ये जो है पूर्व विधायक जी नियम में भी चूक गए, इनके जो गुट थी जो ये किए हुए थे कंप्लेन, ये 8 जनवरी को पहले से अविश्वास के लिए डेट निकलवाए हुए थे। जब इन्होंने देखा कि संख्या कम हो गई तो फिर से अगला डेट के लिए पत्र निकलवा दिए।
लेकिन इनको ये दोबारा जब ऐसे ही निकलता तो टेक्निकल क्या हो गया, तो दोबारा जैसे निकल आपका तो ये खत्म हो गया। आप अब चुनाव ये नहीं कर सकते हैं, अविश्वास एक कार्य को दोबारा विश्वास नहीं। एक बार आपने लगवाया, आपने बहुमत आपको साबित करना था, 11 के साथ 11 समितियों को एक साथ बहुमत साबित करना था। देखिए अविश्वास को लोग समझता नहीं है, एक चीज थोड़ा सा दर्शक को क्लियर कर दे, अविश्वास में होता क्या है वो पहले जानिए। जितने समिति हैं उनको अवेलेबल रहना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि मैं अभी प्रमुख हूँ या आप प्रमुख हैं, तो आपके पास 11 है तो ठीक है, आपको साबित करने की जरूरत नहीं है। आपके जो विरोधी बोल रहे हैं कि नहीं मेरे साथ 11 हो गए हैं अब ये प्रमुख नहीं रहेंगे, तो आपको 11 की संख्या वहां पे गिनवानी है बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर आप में से कोई अब्सेंट हो गया तो ये आप में गिना जाएगा, अगर इनमें से जो हम में से अब्सेंट हो गया तो आप में गिना जाएगा कि ये इसमें चले गए। टेक्निकल रूप से तो खत्म हो गया, अविश्वास लग ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब दोनों तरह से, एक तो देखा जाए तो किंग मेकर की भी भूमिका बढ़िया रही और दूसरे में टेक्निकल जो हमारे लिए एक मतलब अपने देहात में काफी अच्छी, देहात में क्या हर जगह ये पंक्ति चलती है काफी अच्छे कि चौबे गए छबे बने और दुबे बन के आ गए, और ये पंक्ति काफी अच्छी फिट बैठती है, चौबे गए थे छबे बने और दुबे बन के आ गए। ये लोगों ने जो खेल खेला था वो खेल सफल नहीं हुआ, और पवन जायसवाल जी फिर से ये साबित कर दिया कि असली किंग मेकर हम ही है। चलिए तो हम यह कहना चाहेंगे, आपने सुना कि कैसे अविश्वास प्रस्ताव लगा, टेक्निकल दृष्टिकोण से भी यह असफल हो गया। जैसे पहले जो प्रमुख थे वही प्रमुख अभी भी रहेंगे, और चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए हम आज शिवहर लोकसभा की चर्चा नहीं कर पाए हैं। अगली बार जब भी हम ये करेंगे तो शिवहर लोकसभा का चर्चा हम करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और दर्शक से कहेंगे कि आप अपना प्यार देते रहे इस चैनल के ऊपर। हाँ, थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह भी, लाइक वगैरह भी, लाइक करें, कमेंट भी करें, अपना राय जरूर दे, कमेंट करके अपना राय जरूर दे कि और क्या लगता है हमारी जानकारी आपको कैसे लगती है। हालांकि हम जो भी जानकारी देते हैं एविडेंस के हिसाब से देते हैं, उसके साक्ष्य रख करके देते हैं जानकारी। और एक चीज और कहेंगे हम, कमेंट में यह भी बताएं कि किस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, या किस तरह के खबरों को आप चाहते हैं, या कहीं उस टाइप की घटना हो तो भी उसके विषय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगला कदम उस खबर के लिए उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक के लिए नमस्कार।